नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सत्य कुलदीप कुमार मेघवाल शिक्षा के क्षेत्र में एक नई खबर के साथ। सीबीएसई ने 12वीं का कक्षा का परिणाम 31 जुलाई तक करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते 12वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया। यह फैसला बृहस्पतिवार को पुनर्विचार के लिए इनकार कर दिया और साथ ही केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड ने सीबीएसई ने भारतीय तथा विद्यालय प्रमाण पत्र की परीक्षा को के मूल्यांकन के फॉर्मूले को CICE के मूल्यांकन फार्मूले को कर दिया गया था। वर्तमान शैक्षणिक सेशन 2021 में 12वीं में करीब 15 लाख छात्रों का भविष्य तय करेगा। CBSE ने कोर्ट में 10वीं तथा 11वीं 12वीं के अंकों के आधार पर नतीजे तैयार किए जाएंगे। अतः मूल्यांकन CICE के प्रमाण पत्र के तहत विद्यार्थियों का प्रदर्शन के आधार पर 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। असंतुष्ट विद्यार्थियों को करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जो भी छात्र कोई भी त्रुटि या कोई कमी है तो अपने रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अभी संतुष्ट विद्यार्थियों को हम जल्द ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मंगवाएंगे ताकि वास्तविक संख्या में जानकारी उसके और हमने एक मानक बनाया है कि ताकि हम सपने आए और उसी प्रकार से परीक्षा को रद्द आते हैं तो ये जानकारी दी संदेश स्वयं भारद्वाज परीक्षा नियंत्रक CBSE। नतीजे इस प्रकार बनेंगे 30:30:40 फॉर्मूला तय किया गया है। 10वीं की परीक्षा का परिणाम सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले विद्यार्थी 3 विषयों में ही हैं। और ये विषयों में जिनमें से हम बताएंगे आपको साइंस विज्ञान तथा इंग्लिश के विषय होंगे। मैं आपको साथ ही कुलदीप मेवाल, धन्यवाद।